हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश के अनसीन पैसेज पर वीडियो बनाइए। अब चूंकि ये आपका 15 नंबर का आता है अनसीन पैसेज, तो भैया इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार जो हमारा टारगेट है इंग्लिश में वो 100 में हम अब की बार 95 प्लस लेकर आएंगे और मैं आपका टारगेट पूरा करवाऊंगा। ठीक है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो आज की इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अनसीन पैसेज है ये 15 नंबर का आता है। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे लिखोगे अगर इंग्लिश की कॉपी में, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि आपका जो इंग्लिश है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। यानी कि सेक्शन ए आपका जो है वो रीडिंग सेक्शन है जिसमें आपका अनसीन पैसेज आता है, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन जिसमें आपका आर्टिकल और लेटर होता है, सेक्शन सी आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है एंड सेक्शन डी आपका लिटरेचर है। ठीक है, तो आपका जो अनसीन पैसेज आता है ये सेक्शन ए में आता है और सेक्शन ए में सिर्फ अनसीन पैसेज ही है, तो ये हमारा 15 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनसीन पैसेज, सबसे पहले अनसीन पैसेज होगा आपके इंग्लिश में के पेपर में जो कि सेक्शन ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए एक पैसेज दिया रहेगा, नाम से ही अस्पष्ट है अनसीन पैसेज, यानी कि ऐसा पैसेज जिसको आपने जल्दी देखा ना हो। ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में जो ना हो, जैसे देखिए एक इंग्लिश में पैसेज रहेगा, भैया इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये एक पैसेज आपका है, देखिए पूरा पैसेज है यहाँ पर, देख लीजिए ऐसे आपका पूरा पैसेज एक रहेगा। आप चूंकि मैंने कॉपी में लिखा है तो थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, तो यहाँ तक आपका पूरा पैसेज रहेगा, इसको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसका आंसर आपको देना होगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, वो 5 क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए ये आपके 5 क्वेश्चन है, अगर आपने 5 का आंसर दे दिया तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। लेकिन भैया फ्री में नंबर नहीं मिलते, कैसे आपको लिखना है, पहले देखिए हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे विथ हिंदी मीनिंग, मैं आपको बताऊंगा। देखिए भैया हम टीचर हैं, हम आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, ठीक है, बिना बताए नहीं रहेंगे। देखिए हिंदी मीनिंग देखिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। यानी कि इट इज ये है ओनली सिर्फ अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, एडवर्स सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, दैट की द रियल मैन यानी कि असली इंसान इज डिस्कवर्ड यानी कि पहचाना जाता है, ठीक है, जिसकी खोज होती है। तो इसका मतलब होगा कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। ठीक है, विपरीत परिस्थिति जब होती है तब आप असली इंसान को पहचानते हैं कि आखिर इंसान है कैसा। जैसे अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं है तो हमें सभी अच्छे लगेंगे कि भैया भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, और जैसे ही हमारा समय खराब होगा तो कौन हमारे साथ है तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। ठीक, ए मैन एक आदमी ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्रवान, जो चरित्रवान हो, ऑफ नोबल इंटेंशन, नोबल का मतलब होता है नेक इंटेंशन, नेक इरादों वाला, ठीक है, ऑफ स्ट्रांग, ये आदमी की गुण बताया जा रहा है, विशेषता, ठीक है, ऑफ स्ट्रांग मजबूत एंड स्टर्डी, एक बार एंड लिखिएगा, एंड स्टर्डी फिजिक्यू यानी कि मजबूत शरीर वाला, ठीक है, एंड वर्च्यू और गुणों वाला, आप सेल्फलेस सर्विस टू अदर, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ सर्विस, सेवा टू अदर दूसरों के लिए, यानी कि यहां पर कहने का मतलब है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला। ठीक है, प्रूव्स, वो खुद को प्रूफ करता है, प्रूफ का मतलब साबित करता है हिज वर्थ, अपनी योग्यता, इवन इन टाइम, उस समय में ऑफ एडवर्सिटी यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में। तो यानी कि कहा जा रहा है, पहले तो कहा गया कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। फिर कहा गया ये मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन, ठीक है, ये मैन ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्रवान, ऑफ नोबल इंटेंशन नेक इरादों वाला, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिक्यू यानी कि मजबूत शरीर वाला, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों
प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ डाइवर्सिटी, वही जो है व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि चरित्रवान नेक इरादों वाला, मजबूत शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाला व्यक्ति ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित कर पाता है, ठीक, जो अच्छा हो। आगे देखिए, और क्या करता है, ही फेसेज, वो सामना करता है द एडवर्सिटी, यानी कि विपरीत परिस्थितियों का, विथ के साथ, हिज स्ट्रांग, अपनी मजबूत विल इच्छा एंड डिटरमाइनेशन, डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, तो वो हो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। जैसे हम अगर अपनी दृढ़ संकल्प ले लें कि भैया अबकी बार हमें टॉपर बनना है तो हम बन जाएंगे, मन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखिए मैं समझा रहा हूं, मैं इसको आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि पैसेज को पढ़ा, उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया, बस हो गया, लेकिन मुझे समझाना है ना आपको, कैसे समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा है, आपके ग्रामर वीक है भैया, ग्रामर आप तेज करिए। देखिए, इफ ही हैज, ये विल, इफ अगर, ही हैज यानी कि उसके पास, उसको उसके पास ए विल, इच्छा शक्ति टू डू एनीथिंग, टू डू ए थिंग, कुछ करने की, यानी कि अगर उसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, यानी कि नथिंग, कोई भी नहीं कैन स्टैंड, खड़ा हो सकता है इन हिज वे, उसके रास्ते में, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आ सकती, यानी कि अगर उसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आ सकती। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आपके रास्ते में भी कुछ भी नहीं आ सकती, बड़े से बड़े पत्थर को आप तोड़ कर रख देंगे, मतलब भैया पता नहीं कितना आपके अंदर दम है, ठीक है। आगे देखिए, ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टिकल टू अचीव हिज मिशन, यानी कि ही कैन, वो सकता है कंक्योर, विजय प्राप्त कर सकता है ऑल ऑब्स्टिकल, यानी कि सभी, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है बताइए, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधाओं पर, ठीक है, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए हिज मिशन, अपने लक्ष्य को, ठीक है, अपने उद्देश्य को, तो वह जो है अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, ठीक है, कोई भी है। आगे देखिए, सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव, देखिए, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है इज नोबल, महान है, एंड वर्थी, योग्य है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो महान और योग्य है। हमें उद्देश्य बनाकर चलना चाहिए, हमें अपना एम बनाकर चलना चाहिए, तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। बिना लक्ष्य, जब तक आपका कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, आप उसको कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। आगे देखिए, इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्ध, इन द डेज यानी कि दिनों में, आप प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध, एंड प्लेजर, और आनंद, यानी कि समृद्ध और आनंद के दिनों में क्या होता है, बी स्लीप, हम सोते हैं एंड एंजॉय और आनंद लेते हैं, एंड नॉट, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, एंड नो नॉट, और हम नहीं जानते हैं व्हाट वी आर, हम क्या हैं, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि समृद्ध और आनंद के दिनों में हम सोते हैं और आनंद लेते हैं और नहीं जानते कि हम क्या हैं, यानी कि हम लोग अगर थोड़ा सा खुशी मिल गई भैया, खूब मजे से उसको एंजॉय करते हैं, खूब सोते हैं, ठीक है, और हम ये तक नहीं जानते कि हम क्या हैं, अपने आप को भी नहीं जानते, ठीक है, तो ये हमारी कमियां हैं, ठीक, इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करना है भैया तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। बट इन डाइवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि हमारे अंदर का जो इंसान है वो जाग जाता है। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे अंदर का इंसान जाग जाता है। हम सोचते हैं, अरे यार, हमें इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करना चाहिए था, थोड़ा अपने कैरियर पर भी फोकस करना चाहिए था, ठीक है। एंड वी कम टू नो, ठीक है, और हम हमें पता चलता है आवर रियल, अपने वास्तविक स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, एंड वीकनेस, कमजोरी का। तो बट इन डाइवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों में, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि हमारे अंदर का इंसान जाग जाता है, और हमें अपने ताकत और कमजोरी का तभी पता चलता है जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे अंदर, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा एक पूरा पैसेज, ठीक। अब इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, अभी हम एक एक का आंसर लिखेंगे, यानी कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, असली आदमी की खोज कब होती है,
ठीक है। दूसरा देखिए, अभी मैं सबका बताऊंगा, अभी मैंने बताया था इसी पैसेज में कि असली आदमी की खोज कब होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन डाइवर्सिटी, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, किस प्रकार का आदमी प्रूव साबित करता है हिज वर्थ, अपनी योग्यता, इवन इन डाइवर्सिटी, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में। तो किस प्रकार का व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। तीसरा है, हु कैन कंक्योर हिज मिशन, कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है। चौथा है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन है उसकी अपनी शब्दों में व्याख्या कीजिए। देखिए ये आपका अंडरलाइन पोर्शन है, थोड़ा सा है, देखिए द इनर मैन वेक अप, बस इसको थोड़ा सा मत समझिएगा, इसको थोड़ा बड़ा लिखना, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पांचवें क्वेश्चन में हमारी वोकैबुलरी रहेगी। देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी कि इस पैसेज में सेल्फिश का अपोजिट वर्ड कौन सा है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, तो इसका विलोम शब्द क्या है, इसका अपोजिट वर्ड क्या है। दूसरा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, यानी कि इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ दुख है, माइजरी, दुख, ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज, यानी कि इस शब्द में जो ऑब्स्टेकल वर्ड आया है, बाधा शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर हम एक एक लिखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस पैसेज में इसका आंसर है कहाँ। जैसे देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आपको क्वेश्चन नंबर अपनी कॉपी में डालना होगा। देखिए फर्स्ट है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि असली इंसान की खोज कब होती है। तो देखिए इसी पैसेज में आपको आंसर दिया गया है, मैं उसको लिखूंगा भी। देखिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। तो यही आपको आंसर लिख देना है इतना, ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने भाषा में लिखना है। कैसे लिखोगे, लिखो द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, बस आपको तीन नंबर मिल जाएगा। मतलब यहां पर नंबरिंग कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको तीन नंबर, सेकंड के लिए भी तीन नंबर, थर्ड के लिए भी तीन नंबर, फोर्थ के लिए भी तीन नंबर, ठीक है ये। और फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो एक, एक दो और एक आपका लास्ट तीन, ठीक है, 15 नंबर का आपका पेपर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि असली आदमी की पहचान कब होती है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर आंसर है, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है, कब होती है। देखिए लिखा है, ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यानी कि द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यानी कि आपको इतना लिखना है, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, फिर इसको जोड़ देना है, ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। तो चलिए आंसर लिखते हैं भाई। देखिए देर नहीं करना है, हमें अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है, अभी और आगे जाना है। तो इसका आंसर यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे भैया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आंसर, आपको कॉपी में लिखना है आंसर, आप क्वेश्चन वन ऐसे आप लोग लिखिएगा। मैं और ये पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, रंग बिरंगा, इसको यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको भी रंग बिरंगे नंबर मिलेंगे 0/0, ठीक। तो ये आपका आंसर, अब एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। कॉपी में थोड़ा शुद्धता रहना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हम तीन तीन नंबर क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि असली जो आदमी होती है उसकी पहचान कब होती है, तो इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, लिखेंगे द रियल मैन, रियल मैन इज डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड ओनली ओनली अंडर अंडर एडवर्स एडवर्स सर्कमस्टेंसेज शर्कम स्टेंसेज, ठीक है, स्टेंसेज, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा भैया, हिंदी भी बताता हूं मैं, फिर से बता देता हूं, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यानी कि असली इंसान की पहचान विपरीत परिस्थितियों में होती है, ठीक है। एडवर्ड अंडर एडवर्ड सर्कम स्टेट का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में, बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का तीन नंबर आपका क्लियर हो गया कितनी आसानी से, लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भैया, अभी तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि हार्ड वर्क ही
कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दूसरा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन डाइवर्सिटी, यानी कि किस प्रकार के आदमी, किस प्रकार के व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को साबित कर पाते हैं। तो इसी पैसेज में मैंने बताया था, पहले पैसेज में दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ, यहीं से आप लिखिएगा, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थी इवन इन टाइम ऑफ डाइवर्सिटी। आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना होगा, मतलब किस प्रकार के व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्रवान, ऑफ नोबेल इंटेंशन यानी कि नेक इरादों वाले, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू यानी कि मजबूत शरीर वाले, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, और दूसरों की बिना निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाले व्यक्ति ही प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ डाइवर्सिटी, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा और मैं आपके साथ में लिखूंगा, भैया हम अलग नहीं हैं, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर सेम टू सेम, ठीक। तो यहां से मैं लिखता हूं, देखिए ऊपर स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, यहां से ठीक दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ए मैन ऑफ कैरेक्टर। देखिए भैया सारे क्वेश्चन का लगभग आंसर आपके पैसेज में ही रहेगा, ठीक है, कहीं बाहर से हमने नहीं मंगाया है, ठीक है, कुरियर के द्वारा। तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोवेल इंटेंशन, ऑफ नोवेल इंटेंशंस, ठीक है, ऑफ स्ट्रॉन्ग, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, एंड देखिए इसमें लिखा हुआ भैया, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं क्योंकि करना पड़ेगा, ठीक है, एंड स्टडी, एंड स्टडी फिजिक्यू, फिजिक्यू, ठीक है, एंड वर्च्यूज, एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस, ऑफ सेल्फलेस सर्विस, सर्विस टू अदर, टू अदर। देखिए 15 नंबर फ्री में नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मैं एकदम रियलिटी बोल रहा हूं, फिर बाद में मत कहिएगा, ठीक है, प्रूफ्स टू अदर, प्रूफ्स हिज, प्रूफ्स हिज वर्थ, वर्थ इवन इन ए डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को दर्शाते हैं। तो ये मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन ए डाइवर्सिटी, यानी कि चरित्रवान, नेक इरादों वाला, मजबूत शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता को साबित करता है, वो प्रूफ करता है, ठीक है, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी, आप वर्थी भी बोल सकते हैं, एबिलिटी भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। दूसरी, अब दो क्वेश्चन हमने भैया सॉल्व कर लिए, हमारा 6 नंबर क्लियर हो गया, ऐसे हम नंबर्स को क्लियर करते हैं। देखिए भैया थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा, हमारी राइटिंग थोड़ी सी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा और अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु कैन कंक्योर हिज मिशन, इसका मतलब क्या होगा, कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त करता है। अब इसका भी आंसर भैया पैसेज में दिया रहेगा, यानी कि कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त करता है। तो पैसेज देखते हैं, कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त करता है, तो इसका आंसर कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, ये हो सकता है, ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है, ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, हिंदी मीनिंग अच्छे से पढ़ना है, ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टेकल टू अचीव हिज मिशन, यानी कि वो अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है,
वो अपने मिशन पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं से वो पर विजय प्राप्त कर सकता है, सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी, क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, उद्देश्य, क्योंकि उसके जो उद्देश्य है वो महान और योग्य है। तो कैसे लिखोगे आंसर, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो जो जिसका उद्देश्य जो है नोबल एंड वर्थी है वही अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो आप लिखिए ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर हिज मिशन। कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसेज में सेम टू सेम वही उतार दो, थोड़ा बहुत चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। यानी कि पूछा गया क्वेश्चन कि कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो कि वो लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं जो सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी, जिसके उद्देश्य महान और योग्य हो, महान और वर्थी हो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, ये भी मैं बता देता हूं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसका आंसर कैसे लिखोगे, ठीक, इसको मैं ऐसे कर देता हूं और इसका आंसर हम लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पर आपको हेडिंग डालना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भैया ये कॉपी है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। तो लिखेंगे ये रियल मैन, ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर हिज मिशन, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी क्या होगा जानना जरूरी है। देखिए ये रियल मैन विथ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कंक्योर हिज मिशन, यानी कि ये रियल मैन वो वास्तविक आदमी विथ नोबल, जो नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव, देखिए इसका मतलब क्या होगा कि तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि नेक और योग्य उद्देश्य वाला। देखिए नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव, नोबल का मतलब होता है योग्य एंड वर्थी, ठीक है। नेक, नोबल का मतलब नेक एंड वर्थी का मतलब योग्य होता है, ठीक है। तो नेक और योग्य उद्देश्य वाला एक सच्चा व्यक्ति ही, ठीक है, एक सच्चा व्यक्ति कैन कंक्योर हिज मिशन, वो अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो नेक योग्य उद्देश्य वाला जो सच्चा व्यक्ति होगा वही अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। जो नेक होगा, जिसके अंदर कोई कमियां नहीं होंगी भैया, वही कर पाएगा। तो आप अपनी कमियों को दूर करो, अगर कमजोरी है तो बादाम खाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, 9 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया भैया, ठीक है। नेक्स्ट 4 देखिए, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी कि जो इस पैसेज में अंडरलाइन पोर्शन है, देखिए कहां है अंडरलाइन पोर्शन, यहां पर देखिए, द इनर मैन वेक अप, यानी कि हमारे अंदर का जो आदमी है वो जाग जाता है, कब, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। इसका आपको अपनी भाषा में हिंदी मीनिंग करना है, ठीक है, अपनी भाषा में एक छोटा सा आंसर लिखना है, द इनर मैन वेक्स अप, यानी कि देखिए इसके नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन पोर्शन का हमें अपनी भाषा में आंसर लिखना है। तो आप लिखेंगे द इनर मैन इज एन अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ये पर्सन, यानी कि कहा जा रहा है इसका हिंदी मीनिंग लिखिए। तो इसका मतलब क्या है कि द इनर मैन वेक अप, यानी कि जो हमारे अंदर का आदमी है वो जाग जाता है, कब जागता है, विपरीत परिस्थितियों में। देखिए बट इन डाइवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों में द इनर मैन वेक अप, यानी कि हमारे अंदर का आदमी जाग जाता है। तो यहां पर क्या है, इनर मैन जो है, आंतरिक मनुष्य जो है, वो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू का वर्णन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हम यहां पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे 5 नंबर, ऐसे लिखेंगे 5 और लिखेंगे ये रियल सॉरी द इनर मैन द, थोड़ा ब्लैक ब्लैक यूज कर दें यार, 4 में चांद लग जाएगा, ठीक है, द इनर मैन इज एन अदर way of describing the spiritual aspect of ये पर्सन,
ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन था भैया कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, तो रेखांकित अंश का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे अंदर का जो आदमी वो जाग जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द इनर मैन इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, यानी कि द इनर मैन जो आंतरिक मनुष्य है इज अनदर वे, वो एक तरीका है ऑफ डिस्क्राइबिंग यानी कि वर्णन करने का द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यानी कि आध्यात्मिक पहलू ऑफ ए पर्सन एक मनुष्य के, तो आंतरिक मनुष्य जो है वो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू का वर्णन करने का एक तरीका है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर हमारा वोकैबुलरी है, इसमें आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना होगा। 12 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है भैया, आगे बढ़ेंगे। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेल्फिश का अपोजिट है। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्वार्थी का मतलब जो स्वार्थ के लिए काम करता हो, ठीक है, इसका अपोजिट होगा सेल्फलेस, और वो हमने इस पैसेज में देखा है। देखिए सेल्फलेस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, देखिए देखिए आप लोग ढूंढिए, हम भी ढूंढ ही रहे हैं भैया। ठीक है, सेल्फलेस 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 यहीं पे कहीं था, देखिए ये मैन एडवर्सिटी प्रूफ, ये सेल्फलेस देखिए यही है हमारे सेल्फिश का अपोजिट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये आपका 5 नंबर, ये 4 नंबर है, देखिए नंबरिंग थोड़ा अच्छा रखिएगा, ठीक है, ये 4 है ये 5 अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने तो पहले ही 15 नंबर क्लियर करवा दिया। देखिए क्वेश्चन था आपका कि इस वर्ड में व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेल्फिश का अपोजिट है, तो वो वर्ड है सेल्फलेस सेल्फलेस। देखिए सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, इसका अपोजिट वर्ड होगा सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ। ठीक है, इसका फर्स्ट है ये, ऐसे फर्स्ट लिख दीजिएगा। इसका सेकंड आंसर क्या होगा? देखिए भैया आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ऊपर नीचे मत लिखिएगा, मतलब इस तरह से बीच में ऊपर लिख दें, ऐसा नहीं, आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, हम तो आपको समझा रहे हैं। दूसरा देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब दुख है। माइजरी का मतलब दुख भी होता है, ठीक है, माइजरी का मतलब प्रतिकूलता भी होता है। ठीक, तो व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, यानी कि इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब क्या है? देखिए माइजरी है, तो माइजरी का मतलब देखिए यहाँ पर आपका जो दूसरा वर्ड होगा वो होगा एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब भी वही होता है जो माइजरी का मतलब होता है। तो एडवर्सिटी कहाँ है, इसमें कई बार आया है, देखिए ये एडवर्सिटी है। ठीक है, तो हम दूसरे का आंसर लिखेंगे एडवर्सिटी, क्या लिखेंगे? एडवर्सिटी। ठीक, समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका माइजरी का मतलब होता है ये दुख होता है या आपदा या कष्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है हमारे माइजरी का। ठीक, तो माइजरी का जो होगा वो होगा एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब भी दुख कष्ट आपदा होता है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इस व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस माइजरी, यानी कि इस पैसेज में किसका मतलब माइजरी है, मतलब आपको सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एडवर्सिटी का मतलब भी वही होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए तीसरा, अब आपसे कुछ दूसरी तरह से पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तीसरा, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज, यानी कि जो ऑब्स्टेकल है हमारे पैसेज में, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है? ऑब्स्टेकल का मतलब तो मैंने आपको बताया ही, क्या था ऑब्स्टेकल का मतलब, जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया है। ठीक है, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है ऑब्स्टेकल का मतलब? बाधा। ठीक, जैसे जो आपके उसमें बाधा आती है उस पर आप विजय प्राप्त कर लें तो आप एक अच्छे आदमी हैं। तो तीसरे का आंसर क्या होगा, मतलब किसका मतलब और किसका मतलब बाधा होता है, तो उसको भी हम लिखते हैं। देखिए हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा होता है, मतलब ये वर्ड आपके इसमें शायद ना हो, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑब्स्टेकल है इसका मतलब लिखिए, इसका कोई दूसरा वर्ड लिखिए जिसका मतलब भी बाधा होता है। तो देखिए ऑब्स्टेकल का मतलब हमारा बाधा होता है, तो हिंड्रेंस का मतलब भी होता है बाधा। ठीक, तीसरा, तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, सेकेंड 3, थर्ड 3, फोर्थ 3 और फिफ्थ के लिए भी 3 नंबर।
टोटल आपका ये पूरा पैसेज 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए सबका मैंने आंसर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं सबको दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट का हमने आंसर लिखा, सेकंड का लिखा, थर्ड का लिखा, फोर्थ का लिखा एंड फिफ्थ का भी लिखा। इस प्रकार से आपको 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन ए था, अनसीन पैसेज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका अनसीन पैसेज इसी प्रकार से सॉल्व होगा। मैंने पूरा प्रोसेस बताया भैया कि आपका अनसीन पैसेज कैसे आप सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो आपको करना क्या है, पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, उसको ध्यान से समझना है, उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा और उसका आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। भैया ये जो 15 नंबर हैं आपके एकदम फिक्स होते हैं। ठीक, बस आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।